हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में अफसी टेक में। मैं आपका दोस्त मोहसिन अफसी और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे VFD की वायरिंग करें। तो देख सकते हैं, सबसे पहले ये पावर लिखा हुआ है यहाँ पे। पावर RST का मतलब जो होता है वो इनपुट ग्रिड वाली से सप्लाई होती है, हम यहाँ पर देंगे। और ये जो सप्लाई है मोटर लिखा हुआ है यहाँ पर UVW, ये मोटर के आउटपुट में वायर देंगे। और ये जो पास में आपको दिख रहा है प्लस और PB, ये ब्रेकिंग रजिस्टर के वायर हैं। इसके बाद ये जो दिख रहे हैं ये रिले हैं स्विचिंग के लिए, NONC कॉमन, NONC कॉमन, NCNO। और ये कंट्रोल कार्ड का सारे टर्मिनल है, कॉमन पावर चॉइस वोल्ट कॉमन, S1 S2 ये मल्टी स्टेप प्रोग्राम के लिए, और A1 A2 पोर्ट के लिए, GND पोर्ट का ग्राउंड। तो वीडियो पूरा देखें और समझ पसंद आने पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कैसे इसको प्रोग्राम करते हैं। हमने इसकी सप्लाई ऑन कर दी। सप्लाई ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे प्रोग्राम ESC क्यूब जोग रन स्टॉप डाटा एंटर शिफ्ट अप डाउन एरो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम ESC कोई भी पैरामीटर लेने के लिए प्रोग्राम ESC आप देख सकते हैं दबाते ही P0 आ गया, सबसे पहला पैरामीटर जो है P0। अब हम इसको एंटर करेंगे तो आगे से आगे ये सारे पैरामीटर चलते जाएंगे, एंटर करते रहेंगे। या एक तरीका तो ये, एक अप डाउन एरो द्वारा भी हम पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, मगर मैं आपको इसमें कुछ खास पैरामीटर बताऊँगा। सबसे पहला पैरामीटर P0, इसको एंटर करने के बाद जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ P00 17 फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग है, या जीरो की जगह एक कर देंगे तो ये फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग हो गया, पूरा एकदम क्लियर हो गया। जो भी हमारी मैनुअल सेटिंग डाली हुई थी वो सब साफ हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वापस एंटर करेंगे P00। यहाँ पर हमारे लिए जो मेन पैरामीटर है वो सिर्फ तीन पैरामीटर आप मान सकते हैं P0 में। एक तो P001 में ये 0 0 का मतलब है, यहाँ पे ये बाहर आएंगे एक बार, ये VFD जो है कीपैड से ऑपरेट होगा और कीपैड से बंद होगा। है ना, कीपैड से रन होगा और कीपैड से ही बंद होगा। ये फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग में सारे VFD ऐसे ही काम करेंगे। उसके बाद P001 को हम छोड़ देंगे, P03 ये फ्रिक्वेंसी के रिलेटिव है, फिर P007 ये जो है ये फ्रिक्वेंसी पोर्ट पोटेंशियल मीटर के लिए है, पोटेंशियल कम ज़्यादा करने के लिए, इसके वीडियो मैंने आपको पहले बताए गए। यहाँ पे अभी जीरो है, जीरो अगर हम जीरो रखते हैं तो क्या होगा, बाहर आके बताता हूँ। जीरो यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा करेंगे, जैसे अभी 50 आप देख सकते हो कम हो रही है फ्रिक्वेंसी, तो ये फ्रिक्वेंसी यहाँ से कम होगी, डायरेक्ट VFD से कम होगी। अब इसकी जगह अगर हम मोटर ऑफ करेंगे, P07 यहाँ पे जीरो किया हुआ, इसकी जगह हम अगर एक करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें A1 और दो करेंगे तो A2, ऐसे अलग अलग सारे पैरामीटर हम यहाँ पे चेंज करेंगे। डिस्प्ले डिजिटल फ्रिक्वेंसी वगैरह सारा इसमें अलग अलग मेथड है, तो ये आपको मैनुअल में देख के उस हिसाब से सेट करना है। तो अभी हम यहाँ पे जीरो ही रहने देते हैं, अगर एक करेंगे तो हमें पोटेंशियल मीटर लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे जीरो ही रहने देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद P011 ये मोटर का जो 0 से 50 हर्ट्ज तक या जो भी स्पीड फ्रिक्वेंसी डाली उस तक मोटर की रन की जो स्पीड जाती है स्टार्ट होने के बाद, उस समय के बीच जो समय लगता है वो टाइम यहाँ पे डाला हुआ है। तो इसको हम अगर ब्रेकिंग रजिस्टर लगा हुआ है तो ये समय बहुत कम रखें आप, P0 उसके बाद एंटर करेंगे तो P0 12 12
आरा में भी यही सेम है, ये स्टॉपिंग टाइम है, मोटर को कितने समय में आपको स्टॉप करना है, मोटर को कितने समय में रुकना है, 0 से 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक पहुंचने के लिए कितने समय में आपको मोटर को रोकना है, तो वो हम यहाँ पे करके एंटर कर लेंगे। इसके बाद P0 के सारे पैरामीटर समाप्त हो चुके हैं। इसके पहले मैं आपको एक पैरामीटर और बता देता हूँ। P01 में हमने 0 करा था PFD रन करने के लिए, अब हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। 1 करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सटर्नल स्विच से ऑपरेट होगा। इसके लिए हमें लूप करना पड़ेगा कॉमन में,